डेली रूटीन से हटकर अगर हम बात करें कि शादी है सगाई है, उस टाइम थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है फैमिली में। अगर आपकी फैमिली की पहली शादी हो या लड़के की पहली शादी हो, लड़की की पहली शादी हो, सगाई हो, तो उस टाइम अगर आपके बड़े आपके साथ सामने या आसपास ना हो तो आप किससे पूछें। इस वीडियो में आप इसी टॉपिक पर बात करूंगी कि अगर आपके घर में पहली शादी या सगाई है और अगर लड़की की सगाई है, मेन तो टॉपिक यही है कि लड़की अगर सगाई या दस्तूरी है तो उसके मतलब जो जवाई सा होते हैं उनके लिए क्या भेजा जाए और उनकी फैमिली के लिए दस्तूरी में क्या भेजा जाए। हो सकता है आप इससे ज्यादा भी भेज सकते हैं, इससे कम भी भेज सकते हैं, ये सारा कुछ आपके फैमिली पर डिपेंड करता है। और पैकिंग जितनी बढ़िया सुंदर अच्छी होगी ना, देखने में उतना ही सुंदर लगेगा। और इस वीडियो में आपके साथ अपनी ही सिस्टर की जो एंगेजमेंट की प्रिपरेशन की थी और जो कुछ हमने भेजा था उसी के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगी। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगे रिलेटेड टू राजपूती वेडिंग, दस्तूरी, सगाई, इन सब के बारे में। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। खमागनीसा, मैं कृष्णा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगी कि अगर आपकी लड़की की सगाई है, दस्तूरी है, तो आप किस तरह से अपनी पैकिंग को क्रिएटिव बनाए, सुंदर बनाए और क्या क्या उनके लिए भेजें। इससे ज्यादा आप भेजना चाहें तो भी आप भेज सकते हैं, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं होती है कि आपको मैं वीडियो में बता रही हूँ उतना ही भेजना चाहिए। बट आप अगर किसी को नहीं पता तो बेसिक तौर पर अगर होता ना कि हाँ ये तो चीजें भेजनी ही चाहिए, तो उसी के बारे में आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। और प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियोस अगर हेल्पफुल रहते हैं तो लाइक कीजिए, और आपके घर में भी किसी की सगाई है, दस्तूरी है, तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लड़के की, जिस लड़के के लिए भेजा है, भेजने वाले हैं आप, या जवाई सा के लिए भेजने वाले, उनके लिए क्या भेज सकते हैं। सिल्वर गोल्ड की रिंग है और साथ में है गोल्ड की चेन। इसके अलावा आप सिरपेज भेजना चाहते हैं, सोने चांदी की नारियल भेजना चाहते हैं, इन चीजों को आप पहले अपनी फैमिली से डिस्कस कर लें, डिवाइड कर लें, देन आप ये सब बताएं। उसके बाद में होते हैं पांचों कपड़े। पांचों कपड़े मींस पांच, जैसे साफा, टॉवेल और सोफारी सूट जो भी है वो सब है, और ऊपर जो गोटा कितना सुंदर लग रहा है। देन है ये उनके मेकअप की जो ट्रे है। अब हमने यहाँ पे ट्रे नहीं की, कुछ डिफरेंट किया हमने, यहाँ पे टोकरियां, जो वुडन की टोकरी आती है, साइड में पिक्चर लगा दी इन सब की, तो उसके अंदर हमने इनको मेकअप को सामान को पैक किया है। एक टोकरी के अंदर हमने उनके लिए चॉकलेट्स पैक की। देन है ये जेंट्स के कपड़े, सेकंड नंबर पे जो हम मैं बात करूंगी। तो ये क्या होता है, ढाल उतार होते हैं। ढाल उतार मींस बड़े से छोटे की तरफ हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो घर में बड़े हैं, देन उनसे जो छोटे हैं, देन सबसे छोटे हैं, और ऐसे ही सारी पैकिंग की गई है। जो जेंट्स हैं बड़े हैं घर में उनके लिए साफा है, और जो उनसे छोटे हैं बना लोग हैं उनके बिना साफा के, और सूट जो उनकी पैंट शर्ट की पैकिंग की, सब पे लिफाफे रखे गए सो दैट जवारी वगैरह सारी साथ हो जाए और मैसी ना हो। एट ए टाइम बहुत मैसी हो जाता है कि पैसे निकालो डालो, इससे अच्छा सबकी फिक्स होती है, जो आपको सिर्फ ये उठा उठा के उनको हाथ में देना होता है। ये तो हो गई जेंट्स की। अब हम बात करते हैं लेडीज की। तो ये पहले है सासू जी की ड्रेस, देन है ननद भाईसा की, देन है जेठानी की। अब आपके घर में आपको पता होगा कि फैमिली में कौन कौन मेंबर हैं और कैसे कैसे आपकी लिस्ट बनी है। तीन डिवाइड किए मैंने आपको पहले बताया, जो बना है उनके लिए, उनके फैमिली में जो जेंट्स हैं उनके लिए, देन है लेडीज। लेडीज में सासू जी और बड़ी सास जो भी होती है उनके लिए होता है, और प्योर की, हाफ प्योर, जैसी भी आप सूटेबल हो वैसी ड्रेसेस भेजिए। देन है पीले का सूट है, और उसके बाद यह तीन पोटली के बैग है। ये हमने ऐसे ऐड किया है खुद से, कुछ अलग दिखाने के लिए, डिफरेंट और अच्छा लगता है। देन है सासू जी के लिए ये ट्रे, मेकअप की ट्रे है, और इसके अंदर सारा सामान है। आप चाहते हैं पर्टिकुलर इस ट्रे में क्या क्या डालना होता है, तो इसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना दूंगी क्या क्या ट्रे में डालना होता है। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि उनकी जो ननद भाईसा और जेठानी सा हैं उनके लिए मेकअप की जो हमने है टोकरियां की जो छबड़ियां होती हैं वुडन की जो आती है बांस की छबड़ी, उसके अंदर ही हमने उनकी जो मेकअप की ट्रे है वो पैक की थी। और घर में जो बच्चे होते हैं उनका सामान थोड़ा सा सुंदर और डिफरेंट तरीके से पैक करना, ताकि बच्चे काफ़ी खुश हो जाएं, और हो सके तो उसमें चॉकलेट, खिलौने,
ऐसी चीजें डाल दे जिससे काफी सुंदर और डिफरेंट लगता है। देन है घर की जो फैमिली मेंबर जो लेडीज होती हैं उनके लिए आप कैसे सूट, जो लिस्ट आती है उसी के अकॉर्डिंग पैकिंग होती है। तो ये है बड़ी सासू जी और जो बुआ सासू जी होते हैं उनके प्योर की जो ड्रेसेस होती हैं वो हैं। और उसके बाद में जैसे ना ये सारी चीजें जैसे एज इट इज जेंट्स में होती वैसे ही लेडीज में होती है, कि जेंट्स की ढाल उतार होती बड़े से छोटा वैसे लेडीज में भी होती। घर में जो बड़ी लेडीज होते उनकी अलग, देन ननद और जेठानी होती उनकी अलग, और जैसे फैमिली में और रिलेटिव होते उनकी अलग। उसके बाद ये मेरी सिस्टर की जो जेठू थी बईसा है उनकी फ्रॉक है, और उनके लिए हैंड यहाँ पे हेयरबैंड भी लिया गया है और एक पर्स भी लिया गया साइड में स्लिंग वाला। और इनकी पैकिंग बहुत ही सुंदर है, सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आई। और मैं यही बोलूंगी बार बार कि पैकिंग जितनी सुंदर होगी, आपकी अंदर सामान क्या है कैसा है उस पर कोई नजर नहीं जाती है, आपकी जो पैकिंग होती है और टोटली उसी के ऊपर नजर जाती है। दाने ये परिवार जो कड़ुम्बा होते हैं उनके सूट हैं, और 6-7 सूट वो हैं जो उनके फैमिली में अदर जैसे क्लोज नहीं है बट फैमिली के जो सूट होते हैं वो हैं, वो भी सारे एक जैसे ही हैं। और ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, मैं सारे वीडियो में एक ही बात बोल रही हूँ, सारा कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे डिवाइड करते हैं और कैसे इनकी पैकिंग करते हैं। और ये सब मेंशन होता है, आप लोगों को पूछ लेना होता है फैमिली से कि कैसे आपकी मतलब सूट वगैरह की पैकिंग, मतलब पैकिंग नहीं सॉरी सूट वगैरह कैसे जाएंगे कैसे ढाल होता है। देन उन 22 के बाद हैं मेरे गुड्डू की, जो मेरी सिस्टर है गुड्डू है उसका नाम, उनके हैं नांदा बना, मतलब उसकी ननद जो है ननद बैसा उनके बना। तो उनके लिए हमने ड्रेस ली थी, और ये ड्रेस नहीं है ये गिफ्ट पेपर है जिसकी पैकिंग शर्ट में की गई है। इसका वीडियो मैंने नहीं बनाया सो आप मांगना मत कैसे कैसे बनाया, हमने भी ऐसे यूट्यूब पे देख के बनाया। और उनके उनकी ड्रेस के साथ उनके लिए एक ये मतलब स्टडी बेसिस है खिलौना टॉय था, और देन इनके लिए वूलन की जो ये कैप है सर्दियों के लिए वो लेके आए थे, तो वो पैक की। तो ये है ऑल ओवर लेडीज के लिए। लेडीज के लिए आप है ना पोटली है या हैंडबैग है, शॉल है, स्वेटर है, ये चीजें है ना ऐड कर सकते हैं कुछ डिफरेंट, मतलब अच्छा लगता है कि चीजें अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं तो सुंदर लगता है और इनमें ज्यादा कॉस्ट भी नहीं लगती। जैसे पोटली में ज्यादा कॉस्ट नहीं होती है, या आप चाहें तो मतलब शॉल ले लीजिए, स्वेटर ले लीजिए, जैसा वेदर हो उसके अकॉर्डिंग कुछ एड ऑन कर सकते हैं। और पीले के सूट के ऊपर भी मतलब आप चाहें तो पीले की ओढ़नी भेजिए, ये तो बहुत ही कंपलसरी है। आप उनके लिए जो पोशाक भेज रहे हैं लड़के की जो मदर है उनके लिए, तो उनके साथ उनका पीले का जो सूट होता है या ओढ़नी आप जैसा प्रेफर करते हैं वो मतलब डालना होता है। मेरी शादी की मतलब मेरी सगाई कोरोना के टाइम हुई थी तो सिर्फ ओढ़नी ही डाली गई थी दस्तूर में, उस टाइम सब कुछ बंद था हमारे घर पे वही अवेलेबल था। बट अगर चीजें सही हैं तो उस टाइम जो चीज अवेलेबल होती है तो उसको वैसे ही मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने उनके लिए सूट ही डाला था। और ये है पोटली की पैकिंग, पैकिंग बहुत ही डिफरेंट और यूनिक टाइप में थी और बहुत सुंदर लग रही थी कि भाई इसके अंदर क्या है, मतलब उत्सुकता होती है चीजें जिस तरह से पैक होती है ना उनको अनबॉक्सिंग करने में बहुत मजा आता है कि इसके अंदर क्या है और इसको कैसे पैक किया गया है। और हमने तो खुद इतना देखा है इनको कि भाई कितनी बार, हमने बहुत बार इनको देखा है कि भाई, पर ठीक है मेहनत करके अगर लोग उसे अप्रिशिएट करते तो अच्छा लगता है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मैं मेहनत करके आपके लिए वीडियो क्रिएट करें तो आपका भी पूरा पूरा हक बनता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मुझे भी मोटिवेट करें। So, ये तो सारा हो गया लेडीज का कि लेडीज के लिए क्या आता है। आप चाहे तो इनको ट्रे में पैक कर लो, टोकरी में पैक कर लो। ट्रे के साथ साथ है ना कुछ यूनिक है, जैसे हमने जवाइसा के लिए जो मेकअप की पैक की तो हमने उनके लिए जो वुडन की जो होती है टोकरियां उनमें पैक किया है, तो वो थोड़ा डिफरेंट लग रहा था कि हाँ मेकअप, जैसे मेरी वाली शादी के टाइम तो अवेलेबल ट्रे थी तो हमने ट्रे में पैक की थी, मैं आपको फोटो भी दिखा दूंगी। बट इसके टाइम हमारे हमने कहा थोड़ा यूनिक और कुछ डिफरेंट करें। और शादी की वीडियोस में भी मैं आपको बताऊंगी कि हम उनकी उसकी शादी की पैकिंग भी बहुत अलग और डिफरेंट तरीके से करें। आपको ऐसे कुछ वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना, और आपके और कोई नीड हो तो भी प्लीज मुझे बताना। तो ये हैं सारे कड़ुम्बे के सूट, और ये डिपेंड करता है कि आपकी उनके फैमिली में कितने क्या क्या मेंबर है, किस किस के क्या क्या आया हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये सारी पैकिंग होती है। जरूरी नहीं है कि हम लोग जैसा आप मेरे वीडियो में देख रहे हैं ऐसा कुछ भेजे, बट हाँ मेरे इस वीडियो से आपको ऐसे आइडिया हो जाएगा कि हाँ मतलब इस टाइप का हम कुछ भेजना चाहें तो भेज सकते हैं।
और ऐड ऑन भी कर सकते हैं। और हाँ, मेरे इस वीडियो को अगर आप प्लीज बताना कि इसके अंदर मतलब मैं अपना वीडियो भी लगाऊंगी या अपनी फोटोज लगाऊंगी दस्तूरी की, कि हमने सेम ही पैकिंग की थी अपनी। मतलब ऐसा होता है ना कि टाइम के अकॉर्डिंग चीजें चेंज हो जाती हैं, तो मेरे टाइम क्या टोकरी जो होती फ्रूट्स की वगैरह ये जो होती ना वो थोड़ी ज्यादा थी, बाकी ऑल ओवर सारा ऐसा सेम एज इट इज वही था। और ये आप देख ही रहे हैं जवाई साहब, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ पैकिंग कितनी सुंदर लग रही है। एक तो साइड में हमने टॉफी और जो चॉकलेट्स होती उसकी पैकिंग की, देन इनका मेकअप जो है कॉस्मेटिक जो है उसको हमने पैक किया था, और ये है उनकी गोल्ड और सिल्वर की रिंग एंड चेन। इसके अंदर आपको मैंने पहले ही बता दिया, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हमने शादी के लिए रखी थी इसलिए हमने अभी इतना ही अर्जेंट में यही किया। देन ये है गुड़ की जो भेली आती है, उसके अलावा भी ऐसा गुड़ आता है सिल्वर कलर का, बहुत सुंदर लगता है। मंदिर या मोदक शेप में है, हाँ मोदक शेप में है, बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ पे इस कटोरदान के अंदर है पड़ोदी, और आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं मुझे बताना। देन उसके बाद में है लड्डू, और इसकी भी हमने बहुत सुंदर से पैकिंग की। और ये है टोकरियां, इनके अंदर आप जरूरी नहीं है कि जो हमने बताया वही करें, आप 11 21 51 कितनी भी चाहे कर सकते हैं। हमने एक में पताशे, और एक साइड में हमने रखी है इलायची मूंग और हरा धनी जो धनिया होता है वो है, और रोली मौली है और अखरोट है। मतलब ये सारा हमने काउंट कर कर लिया था कि हमें 11 करनी है, 21 करनी है, हमें 11 ही करनी थी। ये था आज का मेरा वीडियो कि बैसा की जो दस्तूरी होती है उसके अंदर बना के लिए क्या भेजा जाता है। और होपफुली आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी कुछ ऐसे वीडियोस की आपको नीड है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां पे भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। खमा गनीसा।